आदर सभी के मिलने क्यों हो क्लास में सभी भाई बहनों का हार्दिक स्वागत है और अभिनंदन। आज अपन कक्षा षष्ठी में विज्ञान विषय में अध्याय 11 पढ़ेंगे। कक्षा षष्ठी विषय विज्ञान अध्याय 11 पाठ है आपका प्रकाश संयम और प्रकाश का परावर्तन। पाठ का नाम है प्रकाश छाया एवं परावर्तन। पिछले कक्षा में अपने पारदर्शी अपारदर्शी और पारभासी वस्तुओं के बारे में पढ़ा था। आज हम लोग पढ़ेंगे छाया कैसे बनती है, छाया है और कैसे बनती है, छाया है कैसे बनती है। किसी वस्तु की छाया कैसे बनती है इसको अपन ने पढ़ेंगे। अपन ने देखा वस्तु तीन प्रकार की होती है, पारदर्शी अपारदर्शी और पारभाषी। पारदर्शी वस्तुओं का दर्शन प्रकाश गुजर पाता है अपन आप देख सकते हैं, अपारदर्शी वस्तुओं का दर्शन प्रकाश नहीं गुजर पाता है। तो अपारदर्शी वस्तु का प्रकाश नहीं गुजरेगा तो दूसरी तरफ छाया बनेगी, छाया बनती है अपारदर्शी वस्तु से छाया बनती है। एक बात ध्यान रखें, अपारदर्शी वस्तुओं से छाया बनती है। छाया का मतलब होता है प्रतिबिंब, किसी वस्तु की आकर्षक बनना निर्माण के लिए आवश्यक शर्तें, इसके अंदर तीन शर्तें। पहली है प्रकाश स्रोत, यानी प्रकाश का स्रोत होना चाहिए अपने पास, दीप्त पिंड होना चाहिए, चाहे सूर्य का प्रकाश हो चाहे हमारे पास कृत्रिम संसाधन होते हैं प्रकाश उत्पन्न करने की क्षमता हो। पहली चीज तो ये अपने प्रकाश उत्पन्न करने की क्षमता हमारे पास होनी चाहिए, इसके लिए दीप पिंड होना आवश्यक है, प्रकाश स्रोत होना जरूरी है छाया बनाने के लिए। दूसरी वस्तु है वो है अपारदर्शी वस्तु, उसकी हो सकती है दीवार हो सकती है, ये हमारे पास अपारदर्शी वस्तु होने की आवश्यकता है क्योंकि छाया इस वस्तु प्रकाश में लगे ये वस्तु दूसरी तरफ अपनी छाया बनाएंगे मनुष्य हो सकता है, अपारदर्शी वस्तु पुस्तक है वो भी हो सकता है। और तीसरी चीज है वो पर्दा, यानी जिस पर छाया बनती है, जिस पर छाया का निर्माण होगा ये कुछ भी हो सकता है। जमीन है, हम धूप में खड़े हैं, सूर्य का प्रकाश है तो अपन तो हो गए पारदर्शी वस्तु, सूर्य का प्रकाश हो गया प्रकाश हो, और अपन की छाया कहाँ बनेगी, जमीन पर बनेगी या पास दीवार पर बनेगी, वो हो गया पर्दा। तीन चीजें आवश्यक है छाया निर्माण में, आप उसको आगे होगा छाया निर्माण के लिए। हम बंद कमरे में खड़े हैं
वहां सूर्य का ही कोर्स मारा तो मेरे पास कोर्स ली गई या कोर्स देंगे कोर्स से शाम ना बेहतर रहने लगा तो टॉस हो गया प्रकाश स्रोत प्रकाश उत्पन्न करने वाला पिंड हो गया और गता हो गया है पांच जिस वस्तु उस गते की जो बनेगी वो है पर्दा जहां छाया बनेगी गता है पांच जिस वस्तु हो गया पर्दा वो होगा जहां उस गते की छाया बनेगी दीवार पर बन रही है या कोई टपरे स्रोत पर बन रही है वो हो गया पर्दा इन से क्या उसे छाया निर्माण के लिए प्रकाश स्रोत और पांच जिस वस्तु बहुत पड़ता है तो द्वितीय रूप से होते जब वो छाया का निर्माण कर पाएंगे इस छाया के शब्द आप समझ में आ गया होगा छाया निर्माण के लिए आप सब हम सत्य क्या है ठीक है अब ये अगला पॉइंट है अपने प्रकाश का गमन प्रकाश का गमन प्रकाश हमेशा सीधे कम चलता है प्रकाश सीधे कम गमन करता है ये आप ध्यान रखें प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में गमन करता है इसको समझने के लिए आप समझने के बदले प्रकाश के गमन कैसे गमन करता है इसको समझने के लिए एक निकला दें इसके अंदर इस क्रियाकला को करने के लिए आप मोमबत्ती से ही एक ले लीजिए आप प्लास्टिक का पाइप हल्की मुलायम पाइप आती है प्लास्टिक का पाइप और एक कोई वस्तु ले लीजिए आप जिस बात को देखना है मोमबत्ती है और प्लास्टिक का पाइप अब आप क्या करेंगे इस मोमबत्ती को जलाएंगे जैसे बोला मोमबत्ती ले लीजिए ये मोमबत्ती है इस मोमबत्ती को आपने स्टैंड पर रख दिया आपने इस मोमबत्ती को लोग उतले आपने ये तो पाइप है प्लास्टिक का पाइप है इस पाइप के अंदर से इस मोमबत्ती को लोग उतले गए आप यहाँ गए इस आंख से जब आप इस मोमबत्ती को लोग उतले जाएंगे तो आपका ये पाइप सीधा होगा तब भी आप इस मोमबत्ती के जलते हुए लोग उतले पाएंगे अगर ये पाइप आपने मोड़ लिया ये प्लास्टिक का पाइप है मुलायम पाइप है आपने इस पाइप को थोड़ा सा मोड़ लिया मोड़ने के बाद जब आप आंख से इस मोमबत्ती के लोग बच्चे देंगे ना यहाँ रह करके इस मोमबत्ती के सामने सीख लिया आप इस मोड़ पाइप से देखेंगे ना आपने मोमबत्ती के लोग देखेंगे इसका मतलब यह है कि प्रकाश हमारे क्षेत्र का मोहन करता है आप शुभ कैसे हो इसे तीनों गतों को इस पैर पर समतल जगह पर रख दीजिए आप फिर आप यह मोम जला दीजिए यह आपने मोम ले ली और जल रही है यह टॉर्च की वजह से जो जल्दी जो सकते इन मोम गतों पर आप सेक दीजिए एक दो फिर आप मोमबत्ती
जो आप देख रहे हैं हाँ जी, जब ये क्षेत्र एक लाइन में एक शीट में होंगे तब आप यहाँ पे दो क्षेत्र में एक शीट में लग गई है, इस क्षेत्र आपने यहाँ कर लिया वहां ऊपर, तो इस मोम में जीरो डिग्री मिल गया, इस निश्चित होता है प्रकाश की दिशा में गमन करता है। एक अगला भाग दिया हुआ है पीडीए के रूप में, कुछ नाम और पढ़ना इस प्रश्न में आ जाएगा, तो कुछ क्वेश्चन दिए हुए उनको आप हल करना। धन्यवाद।